मेरे दोस्त है अब्दुल्ला अब्दुल्ला यासी। हमारा अभी तो ये है कि मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। सही है। जिसकी तरफ यादें किस मतलब कि एज से जुड़ी हुई? मुलाजिम रखे हुए हैं, खुद तो यूनिवर्सिटी से आगे कवर करना बहुत ज्यादा अच्छा, मुश्किल इमरान है। खान देखा नहीं आपने? अच्छा जी, मैंने प्राइमरी तक जो है वो इधर दारियरकम स्कूल में पढ़ा है, अच्छा उसके बाद तू मिडिल नंबर दो स्कूल। शेक नंबर तीन सारे ही आ जाओ यार, जिसको ये शिक्षा कभी भी कुछ भी हो यूनिवर्सिटी में सकता। आपको जाते हुए आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो उधर कुछ यादें आपकी मतलब इन दोनों में कुछ अटैच हुई हो? उसके अभी तो बाद मैं स्टार्ट ही है। बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। बिगेस्ट अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद उस्मान, वेलकम टू अ सेशन ऑफ पॉडकास्टिंग एपिसोड 2। आज मेरे साथ मेरे एक नहायत शरीफ मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला यासी। हमारा मोहल्लेदार भी हैं, तो हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे इनकी पर्सनालिटी के बारे में, इनका बचपन की कुछ यादें पूछेंगे, इसकी टीन एज के मतलब के क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, स्टडीज के बारे में पूछेंगे। तो इनसे पहले तो सलाम लेते हैं इनसे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। तो आपकी इजाज़त है हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब हम आपसे आपका पूरा नाम पूछना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला यासीन है। ठीक है। अच्छा, माजरे से ज़रा माइक पास कर लें मुझे। अच्छा, इससे इसके बाद आप हमें इजाज़त दें, हम आपकी तलीम के बारे में कुछ पूछेंगे। जी। कि आपने मतलब मिडल हिस्सा कहाँ से कंप्लीट किया, मैट्रिक एफएससी, उसके बाद आप बीएस कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप जीरो से स्टार्ट करें। जी, मैंने प्राइमरी तक जो है वो इधर दारियरकम स्कूल में पढ़ा है। अच्छा। उसके बाद मिडिल स्कॉलर स्कूल सही गोजरा। सही। उसके बाद आइडियल अलामा इकबाल हाई स्कूल गोजरा। सही। जहाँ हम दोनों इकट्ठे पढ़े हैं। इकट्ठे। उसके बाद जो है कॉलेज है वो एग्जेक्टिव ग्रामर कॉलेज। सही। उसके बाद मैं बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। बिगेस्ट यूनिवर्सिटी एशिया है ना? जी, एशिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी में से आता है ना। अच्छा, इसके बाद अब्दुल्ला साहब आपका मतलब कि आपने मिडल किया, मैट्रिक किया, एफएससी की यूनिवर्सिटी में पहुँच गए, आपका सबसे सीनियर यादें किस मतलब के एज से जुड़ी हुई? जी, मेरा जो था हाई में जो आइडियल अलामा इकबाल हाई स्कूल गोजरा में, सबसे हसीन यादें वहाँ गुजरी। हाँ, उधर सबसे तो अच्छे दोस्त भी वहाँ मिले। हाँ, फिर सबसे अच्छा दौरानिया वो गुजरा। सही। अच्छा, मिडल में आपका कोई फेवरेट टीचर और उनके साथ कोई फेवरेट आपकी एक्टिविटी, कोई फनी एक्टिविटी आप अगर शेयर करना चाहें? मिडिल तक तो टीचर्स पढ़ाती थी, डर ही लगता होता था मार से बस पढ़ाई वाला ही काम अच्छा, था। ये वह स्टूडेंट है जो मतलब टीचर फीमेल स्टाफ था आपका? जी बिल्कुल। फीमेल स्टाफ से मार खाने से डरता था, क्योंकि मतलब मुंडे होंगे ना कोट खान लिए, कहते हैं कि चलो काम नहीं आता तो टीचर को चांट का। ये शरीफ ये शराफत की निशानी है कि वो कहता है मुझे डर लगता था। तो वैसे भी मुझे तो पता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड स्टूडेंट हैं आप। तो अच्छा, मैट्रिक में आपने अलामा इकबाल से किया, उधर मैं भी था आपके साथ, आपका सीनियर था मतलब एक साल, तो उधर हमारी कुछ यादें हैं, हम रोजाना कंटीन पे भाग के बंक करके जाते थे, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? वो मतलब के वो स्कूल का सबसे अच्छा दौरानिया गुजरा है। उसके बाद कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले। सही। उसके बाद कुछ मोहल्लेदार थे, आप थे मेरे साथ एक, और दूसरे दोस्त अहमद थे। हाँ। उसके अलावा जो टीचर्स वहाँ बहुत अच्छे मिले। अच्छा, जिनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा उसके साथ मिलने में। फेवरेट टीचर बताएं? फेवरेट टीचर सर मुराद थे। सर मुराद। सही। उधर एक जुल्फकार साहब भी थे। जी बिल्कुल। जुल्फकार साहब के बारे में कुछ बातें, कुछ उनके शिक्के अगर बताना चाहे कि फलानी शिक के तहत सारी क्लास बाहर आ जाओ, बिना वजह ही सारी क्लास में बाहर काट के, तो चाक लो एक लाते थे मुक्के शुरू कानून नंबर दो शिक नंबर तीन सारे ही आ जाओ यार, जिसको ये शिक कभी भी कुछ भी हो सकता। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता। अच्छा, ये हम इसको कवर करते हैं, इस लेवल से हम निकलते हैं आगे। अच्छा, इधर मैं ना आपको कुछ याद करवाना चाहता हूँ कि जब मैं आपका सीनियर था, मैं टेंथ क्लास में था, आप नाइन्थ में एडमिशन लिया, तो मेरी जो खुशी की मतलब की लहर थी ना वो बहुत पीक पे थी, कि मैं पहले अकेला था ना उस मतलब जैन था मेरे साथ मेरा एक दोस्त, वो फिर उस वो गया चला गया था मरी चला गया था, उसका एडमिशन हो गया। उसके बाद जब अब्दुल्ला आया और इसके साथ अहमद था, वो भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारी ट्रायोस बन गए, तीन दोस्त हो गए हम, और बहुत अच्छी हमारी मतलब ना बाउंडिंग हो गई एक दूसरे के साथ, तो बंक करना हमने इकट्ठे करना। अब ये बातें जब हमारे इंटरव्यूज हमारे घर जाएंगे तो ये पता चलेगा कि शरारता भी करते रहे बच्चे। अच्छा, फिर एक ना नान टिक्की आती थी 10 की, इसकी और अहमद की हो जाती थी लड़ाई, तो हाँ जी, फिर नान टिक्की के लिए उस्मान साहब ने सुलह करवा दी फिर नान टिक्की खानी सबने मिलकर। हाँ, बैठना
ये बहुत अरसलान टाइम, भी साथ गए थे इन्होंने, तो फिर छोड़ दिया ना। हाँ अरसलान भी मेरा भाई छोटा, वो भी हाँ गया वो था। भी गया। तो अच्छा यार अब्दुल्ला, उधर जब हम होमवर्क करते थे डायग्राम नहीं बनाने आती थी, तो डायग्राम वो बताओगे सीनियर से बनवा लेते थे तुम यार, मेरे से ये मेरे से ज्यादती नहीं करते यार ज्यादती तो जब नाटकी खाते तब भी ज्यादती थी ना सुलह करवाने के लिए, अब तो ये अच्छा तो है। इसके बाद हम निकलते हैं आपकी एफएससी लेवल पे। एफएससी लेवल पे आपने एग्जेक्टिव पे किए गए, तो एग्जेक्टिव कॉलेज में आपका सबसे पहले तो आपने डिसीजन क्यों लिया एग्जेक्टिव में जाने का? वैसे कुछ मेरे मोहतरम उसाद कराम थी, उन्होंने सही। कहा, फिर वैसे कुछ थोड़ा चेंज करने को दिल किया तो इसलिए उधर गए, हाँ वैसे बंदे को ना ट्राई करनी चाहिए ये जल्दी जल्दी। इसलिए किया थोड़ा। अच्छा वो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ईयर ही था ना उनका भी कॉलेज का, मतलब जी फर्स्ट क्लास ही आप लोगों की थी फर्स्ट ईयर की ना, जी तो फिर तो रिजल्ट भी आप लोगों के अच्छे आए हैं, और हमें तो पता है कि आप लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा इसके साथ आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी में आपको जाते हुए आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो उधर कुछ यादें आपकी, मतलब इन दोनों में कुछ अटैच हुई हो? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो अच्छा जाएंगे, पहले अभी तो मेरा, स्टार्ट है ना। अच्छा इंटरव्यू में मुझे लगता है सब कुछ तो मैं ही बोल गया हूँ। इधर मैं ना आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि क्लास में मतलब आपकी बॉन्डिंग आपके फ्रेंड्स की उधर कोई किया है आप मैट्रिक में से या एफएससी में से कोई? मैट्रिक और एफएससी में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उधर अच्छे दोस्त मिले हैं सही। जिनके साथ है अच्छा मिलना बैठना उठना सब कुछ है। वैसे फिर काम भी हो जाता है यूनिवर्सिटी में, सीआर हाँ वगैरह सब बिल्कुल, ही होता है, ऐसा सीआर चलता है, आपके हाथ का है, सीआर है जब सीआर हाथ का ना तो समझ ले सीआर अटेंडेंस है। पूरी बंक शंक चलेंगे, ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। किया है एक मतलब अटेंडेंस लगी है ऐसे सही यार, ये इंटरव्यू अपने घर जाना है, ऐसी बातें जरा ना परहेज किसी करो क्योंकि उन्होंने भेजना बंद कर देना। अच्छा यूनिवर्सिटी रोजाना आते जाते हो? जी रोजाना रोजाना आते जाते हो ट्रेन में बस में? ट्रेन। ट्रेन। अच्छा ट्रेन में कोई किस्सा हो मतलब कि कोई मतलब कुछ जाता है ना बंदा रोजाना ट्रैवलिंग में, जो बंदा रोजाना ट्रैवल करता है उसका कोई ना कोई किस्सा होता है, कोई चोरी हाँ वाला किस्सा हो, कोई मतलब आपके साथ कोई हैपन हो गया हो? हाँ है, एक मतलब हम गए थे तो पांच छह और भी दोस्त थे, तो सही ट्रेन पे आ रहे थे वापस, टिकट नहीं थे हमारे पास, सही है वो एसटी ने पकड़ लिया काफी बेदी वगैरह बिकी, लेकिन ये है कि फिर हो गया मामला, लो हो गया, अच्छा ये ऐसा ना, होता है फिर कभी कभी। अच्छा ये तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है ना, मैं जाता हूँ ना मामू के घर छोरगुट, जो इधर मतलब कि 45 मिनट का रास्ता है, टीटी के हाथ ही नहीं आता हूँ मतलब, जब चेक मैं भी टिकट लेके नहीं चढ़ता ना जो जब शॉर्टकट जाता हूँ, तो मैं इस बात को कवर करते हैं क्योंकि यार ये अपने राज ओपन हो रहे ये हैं, एक तो ये है कि हम लोग टिकट नहीं लेते, दूसरा ऐसी स्टैंडर्ड में बैठ जाते फिर पकड़ा जाता है पकड़ा यार। अच्छा वो ना तो बहुत बेगैरत लोग हैं जाना स्टूडेंट भी इतनी, तो यार छूट देनी चाहिए ना कि हाँ मतलब है, इतना तो होना चाहिए, थोड़ा कौन बंदा यार रिलैक्सेशन हो, रोजाना फैसलाबाद इतना किराया लगा के जाए, थोड़ी तो हाँ। रिलैक्सेशन तो होनी चाहिए। तो अच्छा अब्दुल्ला साहब इसके साथ आप कुछ अपनी कोई बचपन की यादें, कोई आपका फेवरेट हॉबी क्या है, कोई प्लेयर मतलब के गेम है या सिंगिंग डांसिंग कुछ, कोई फेवरेट हॉबी क्या है आपका? अब हॉबी तो ये है कि मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, सही है इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो होती है, हॉबी ये है। सही वैसे गेम क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, सही इसमें प्लेयर्स काफी, एबी सही डिविलियर्स था एक प्लेयर साउथ अफ्रीका से, वो फेवरेट प्लेयर, उसे देखना, क्रिकेट को बहुत ज्यादा देखना है, खेलने सही का शौक था, तब हम सारे जाते थे मोहल्ले वाले, आपको पता है सही बिल्कुल सभी होते थे, तो वो अब तो वो टाइम ही नहीं मिलता ना, बिल्कुल। हाँ अभी तो मतलब कि अटैचमेंट नहीं होती ज्यादा क्योंकि ये हर इतना बंदा होता ही अपना नहीं अपना है, बिजी होता है, हर बंदा अपना अपना बिजी हो गया है, किसी के तो मीट्स आ जाते हैं, कोई फाइनल्स में चला जाता है, कोई कहीं होता है। इसीलिए अच्छा यार आपकी तो हॉबीज बहुत मजे की हैं, मैंने इंटरव्यू ऐसे ही इतना लंबा कर दिया, आपकी तो हॉबीज पे बहुत क्वेश्चन है। अच्छा क्रिकेट बहुत पसंद है आपको, आपने तो फिर हर मैच देखा होगा। देखा है बिल्कुल। अच्छा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे अच्छा प्लेयर आपका बैट्समैन कौन सा? पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूनुस खान, यूनुस खान। अच्छा इमरान खान का कहीं नहीं आ रहा ना? यार इमरान खान हमने देखा नहीं है। अच्छा पहले तो मुझे ये नहीं बना पता, मैं थोड़ा सस्ता हूँ मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं पता, तो वो बॉलर है कि क्रिकेटर है इमरान खान? इमरान खान ऑलराउंडर था ना। ऑलराउंडर। अच्छा तो इसी वजह से आपने मतलब कि उसको क्वेश्चन को ना कवर अप कर दिया हाँ मैं। अच्छा इमरान खान देखा नहीं आपने? अच्छा उसके बाद बॉलर आपका फेवरेट कौन सा? बॉलर जो था वो मोहम्मद आसिफ था, जो सही स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में आया, सही उसके बाद नहीं उसे मौका नहीं मिला, या जो भी थे, चले गलती हर इंसान से होती, मिलना चाहिए था मेरे ख्याल में उसे अच्छा मेरा मौका, ख्याल है कि फिक्सिंग हर प्लेयर करता है लेकिन कुछ होता है पकड़े जाते हैं, कुछ फिर मंजरे आम होता पे जब है, आ जाते हैं। हर बंदे से गलती होती है, लेकिन उसे सुधारने का मौका मिलना अच्छा चाहिए, प्लेयर था बेहतरीन, मतलब ऐसा बॉलर अभी तक आया ही अगर नहीं, आपको मौका मिले। मोहम्मद आसिफ सबसे बेस्ट बॉलर है। अच्छा
अगर आप क्रिकेट में जाते हैं, मतलब टीम पे जाते हैं, आपको कोच रखना पड़ेगा, तो आप क्रिकेट में से किसको रखेंगे? अगर पहले तो आप बताएं कि आप बैट्समैन जाएंगे एज आ या एज अ बॉलर जाएंगे? मैं एज अ बॉलर जाना पसंद करूंगा। जाना पसंद करेंगे? हाँ, मतलब मैं बल्ले को होता बताएं है एक तो बंदे का, आप किसको फील्ड रखेंगे? आइडल आपका कौन सा? एबिड विलियर्स ही आएगा, सही जो भी है वो ही है सबसे बेस्ट। सही। अच्छा, मैं अब आपके साथ, मतलब हमारा तो दोस्ती अच्छी है ना मोहल्ले में बैठ, बिल्कुल तो इसके साथ आप मतलब फुटबॉल में भी अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कि फुटबॉल भी आप देखते हैं? फुटबॉल कभी कभार होता है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जिनके साथ, जैसे आपके टीम मेंबर हैं स्नेहम भाई, इनके हाँ साथ थोड़ी हाँ डिस्कशन उसके हो साथ जाती भी है मैं डिस्कशन ये करते हैं इतना, आपस लेकिन में। ये नहीं है इतना शौक वगैरह नहीं, सही। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत है। फार्मिंग का शौक आपको कब से? फार्मिंग का तो बचपन से ही था, सही, इंटरेस्ट था तो इसमें अल्लाह ने काफी। पूरा कर दिया वो भी। हाँ अल्लाह ने कर सही। दिया। अभी आप सारा कुछ जो फार्मिंग का आप कवर खुद ही करते हैं या मुलाजम वगैरह साथ रखें? मुलाजिम रखे हुए हैं खुद, तो यूनिवर्सिटी से आके कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, होता ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन ही है एक बार। स्टडी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करेंगे या अपनी फार्मिंग को ज्यादा बढ़ाने की तरफ करेंगे? मैं फार्मिंग को बढ़ाना पसंद करूंगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना अच्छा, मेरा इच्छा अगर है। अल्लाह आपको मतलब बहुत तरक्की दे, आप मतलब के बिजनेस करते हैं, मतलब अलग बिजनेस का मौका मिलता है और फार्मिंग का मौका मिलता है, तो फिर आप किसको चूज करेंगे? मैं फार्मिंग को पसंद करूंगा, एक इंटरेस्ट होता है ना बंदे का, सही जिस तरफ इंटरेस्ट हो उस तरफ जाना चाहिए, उसमें फायदा भी ज्यादा होता है सही। और सीखना भी ज्यादा होता है, तो उसमें फार्मिंग में आपको क्या पसंद है? आप मतलब जाए कपड़े पहन के डेरेदारी, मतलब ऐसा जाए जाके चिट्टा सूट पाया हुआ पग बंदी है जाके मंजे पे हो, या मतलब जाके मुलाजमों के साथ सर पे चढ़ के काम करवाना पसंद मुझे खुद काम करना भी पसंद है, खुद है? ज्यादा ये दूध वगैरह हाँ, निकालना, खुद यही ये मेरा करना ख्याल है कि पसंद है, हॉबी अगर होना तो इंसान को मतलब पसंद है ना, तो वो मतलब कि सारा कुछ बिल्कुल खुद करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो कोई बात आप खुद सुनाना चाहें, कोई क्वेश्चन आपका हो? बात ऐसे तो नहीं, आप जो पूछेंगे वो हम इंशाल्लाह आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसे तो अभी कोई जहन में नहीं आ रही। सही है। एक्चुअली हमारा कोई इंटरव्यू कमिटेड तो था नहीं कि ये क्वेश्चन हाँ करने, तो इस ये वजह से बिल्कुल मेरे अभी ना क्वेश्चन अगर सामने लिखे होते हैं तो मैं पूछ लेता, तो इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं आपसे। आपका बहुत चलो, शुक्रिया, आपने आप कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला जी हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि हर बंदे को होता है कि मतलब दूसरे बंदे के बारे में जानने की एक क्रेज होता है, बेशक वो किसी भी लेवल पे हो। अभी हम लोग इतने फेमस नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है कोई फेमस पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू करने के, तो इसीलिए हमने अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट किया। तो हमारा एपिसोड 2 था ये, हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।